अल्हम्दुलिल्लाह। घर से निकलने का दुआ बोलो, बिस्मिल्लाह। नौरीन तुम खाना खा ली? किस लिए खाना खा ली? चौको लाई मैं, खाओ लो 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 ले लो। चौको नहीं है उसे? चौको खाओ खाओ। अतम ये था चौको। नौरीन खाना खा ली। अतम हो गया चौको। बेबी तुम्हारे को लगा फुल पैकेट है। अतम नौरीन खाना ओ तुम इसको देख करके खाना खा ली थी जल्दी जल्दी। अच्छा बात नहीं है। ओ किमी नानी नारीन मिला। हाफा ए हाफा नारीन तो फास्ट। आजीन की दोस्त का बर्थडे था तो आजीन अपनी बहन के लिए भी चॉकलेट लेकर आ गई थी और वो छुपा कर रख दी थी कि जब तुम खाना खा लोगी तब देंगे। Later that same evening. आजीन अपनी डॉल से खेल रही है। आजीन सो चुकी है। फ्रेंड्स आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ वो छोटे छोटे क्विक एंड इजी रेसिपीज शेयर करूंगी जो बच्चों को टिफिन में या सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं। नौरीन कितना देर से होकर उठी है? पसीना आ रहा है। ओ मैं सोच रही हूँ पहले मैं चाय बनाकर पी लूँ। मैं आई तो थी चाय पीने के लिए लेकिन चाय की पत्ती खत्म हो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कॉफी पी लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश महसूस हो उसके बाद मैं कुछ बना पाऊँ। आप लोगों में से कितने लोगों को शाम में भी चाय या कॉफी पीने की आदत है? मुझे तो सिर्फ एक टाइम चाय पीने की आदत है वो मॉर्निंग में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल करता है शाम में नींद आती है बहुत ज़्यादा या थकावट हो जाता है तो मैं ऐसे चाय बनाकर या कॉफ़ी बनाकर पी लेती हूँ। चाय भी पीती हूँ ऐसा पानी वाली और कॉफ़ी भी पहले मैं पानी में बॉयल करूँगी तब पीऊँगी। तो इस तरीके से कॉफ़ी ये कॉफ़ी पहले पानी में मैंने बॉईल कर लिया फिर इसमें दूध ऐड कर लिया है। आजीन उठो प्लीज, आजीन प्लीज उठो। स्कूल से आने के बाद सो जाते हैं और फिर इनको रात में नींद नहीं आती और फिर सुबह नींद नहीं टूटती है। वाह मैं अच्छा आधा घंटा सोई हूँ। ये है मेरी कॉफ़ी, है मेरे बच्चे। मैं अब मिलती हूँ कॉफ़ी पीने के बाद। A few minutes later. मैंने इससे पहले बैक टू स्कूल वाले व्लॉग में कहा था कि ये दो तीन चीज़ें रोस्ट करके और ग्राइंड करके रख लेने से बहुत आराम होता है और हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं बच्चों को टिफ़िन या लंच में देने के लिए। ओट्स की फिरनी है जिसे दो चम्मच ओट्स को आप दूध में अच्छे से पका लीजिए, उसमें उसके बाद शहद ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल शक्कर डाल के भी बना सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है, बच्चे सुबह आराम से खा कर जा सकते हैं। राई, ज़ीरा, मेथी, सौंफ और कलौंजी पाँच फोड़न की सब्ज़ी होती है जो आलू की बनती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसे फुलका या पराठे के साथ भी खा सकते हैं या पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये सब्जी मिनटों में बन जाती है फ्रेंड्स, बस इस तरीके से आलू को फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लीजिए और ये पांच फोड़न डालकर उसमें हल्दी और ग्रीन चिली डालिएगा, लाल मिर्च पाउडर नहीं अच्छा लगता है, बस इसे हल्का हल्का पका लीजिए और खाने के लिए तैयार। ये एक ओट्स का नमकीन नाश्ता है जिसे ओट्स चीला भी बोलते हैं। मैंने ये बोला था ना कि मुंबई रवा और ओट्स को रोस्ट करके रख लीजिए, दो तीन आइटम्स आराम से बन जाते हैं और ये इस वीडियो में मैंने आपको दो बता दिया है, एक मीठा और एक नमकीन है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं ऐसे ही बताती रहूँगी। तो इसके लिए बस क्या है कि जितना भी आप ओट्स ले रहे हैं उससे आधा क्वांटिटी का मुंबई रवा ले लीजिए जो रोस्ट किया हुआ है और उतना ही क्वांटिटी का जितना आपने मुंबई रवा लिया है उतनी ही क्वांटिटी का बेसन ले लीजिए और उसमें जितने भी वेजीज आपके घर में मौजूद है कि कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम, पीला कैप्सिकम और फ्रेंच बीन्स होता है, ग्रीन ब्रोकलीज होते हैं,
जो भी है सब कुछ छोटा छोटा चॉप करके इसमें मिला दीजिए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारा वेजीज पेट में चला जाता है। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है क्योंकि मैंने लोहे के तवे पे बनाया है। इसे कम ऑयल में भी नॉन स्टिक में भी बनाया जा सकता है, मुझे इस तरीके से खाना पसंद है तो मैंने ऐसा बनाया है। बट हाँ, प्रीफर कीजिए कम तेल में बनाने के लिए, उससे हेल्थ वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉन स्टिक पैन में भी ये बहुत कम से कम तेल में बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। इसका जो क्रंचीनेस रहता है, जो इसके अंदर रवा है और बेसन है और कॉम्बिनेशन है ना ओट्स का, ये बहुत टेस्टी आता है। और मतलब मेरे तो दोनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और यशवीन जब थी यहाँ तो यशवीन का तो ये वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट हुआ करता था। इसे दही के साथ या अचार के साथ या कोई भी ग्रीन चटनी जो रहती है जो हम बना कर रखते हैं उसके साथ ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग बुक आज मिलेगा आपको स्कूल में। नौरीन कहाँ जा रही है? Are you excited? नहीं। School? सब बस बेटा। नहीं, वो नहीं जाएगा, वो घर पे रहेगा। पीकी स्कूल नहीं जाएगी? नहीं, पीकी घर पे रहेगी। हाँ? जाएगी? क्यों? वो फोन किस लिए जा रहा? अलाउड नहीं है फोन। साल के बाद फिर से हम लोग जा रहे थे नर्सरी में अपने एक और बच्चे को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह। घर से निकलने का दुआ बोलो। बिस्मिल्लाह। घर से निकलने की दुआ बोलो। नौरीन वाली बैग निकाले जिस काम के लिए हम आए। नौरीन, यहाँ पढ़ाई करना है, पता आपको? शुरू में तो नौरीन ये सब देखकर काफी खुश हुई कि यहाँ पर स्लाइड्स भी है, झूला भी है, खेलने की जगह है, बहुत मजे करेंगे, बहुत इंजॉयमेंट होगा। लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा पता था कि थोड़े बैठते हैं थोड़ी देर नीचे, एक घंटे के लिए हम लोगों ने उसे ऊपर भेजा था। और असल बोला जाए तो फ्रेंड्स, बच्चा एक पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, माँ बाप के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग भी नीचे वेट कर रहे थे कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। दो मुझे पता था पहले से कि वो नहीं, आराम से रह जाएगी, नहीं रोएगी, बिल्कुल भी नहीं रोएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जैसे ही ऊपर गई है और उसने देखा है दूसरे बच्चों को, वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रही थी और चीखना शुरू कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो हम लोग थोड़ी देर नीचे वेट करें, एक 45 मिनट्स तक हम लोग वेट करें कि चलो ठीक है, थोड़ी देर तो रहने की आदत डालते हैं। फिर हम लोगों से रहा नहीं गया तो हम लोगों ने बोला कि लाइए दे दीजिए, हम लोग घर लेकर चले जाते हैं। बस आज का इतना ही था सफ़र नौरीन का स्कूल का। इंशाल्लाह अब आपको नौरीन स्कूल जाते हुए दिखेगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।